जब भी मैदान पर हम विराट कोहली को खेलते हुए देखते हैं, सचिन तेंदुलकर का अक्स नजर आता है उनमें। और कभी भी जब विराट कोहली एक शानदार पारी खेलते हैं तो लोग कंपेयर करते हैं, सचिन तेंदुलकर वर्सेस विराट कोहली कौन बेहतर है आज की क्रिकेट की फॉर्मेट में, चाहे वो ODI हो, चाहे वो T20 हो या फिर टेस्ट मैच, सचिन तेंदुलकर बेहतर है या विराट कोहली बेहतर है, दोनों के रिकॉर्ड क्या कहते हैं। आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी मयंक शर्मा। मयंक, सबसे पहले मैं अगर ये कहूं कि विराट कोहली बेहतर है तो आपका क्या जवाब हो? शुक्रिया अनुपम। और इससे पहले, शुरुआत करने से पहले, हम आपको बता देते हैं जिससे आज हम विराट कोहली की तुलना करने जा रहे हैं, वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ महान बल्लेबाज, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी सचिन रमेश तेंदुलकर हैं। अभी अगर दोनों का हम रिकॉर्ड देखें, जितने साल सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेली है और विराट कोहली को भी बहुत लंबा जाना है, तो तुलना अगर करेंगे तो शायद दोनों टीम जो समर्थक हैं दोनों खिलाड़ियों के, सोचेंगे थोड़ा बेमानी होगी, थोड़ा जल्दबाजी भी है। लेकिन जब विराट कोहली इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तुलना करना तो बनता ही है, क्योंकि उसमें आपने अभी बताया कि सचिन का अक्स नजर आता है, सचिन जैसी बल्लेबाजी शैली है। और मैं आज देख रहा हूँ, 90 के दशक में अगर सचिन तेंदुलकर पे पूरी टीम इंडिया डिपेंड थी, तो वही इस समय विराट कोहली के ऊपर पूरी टीम इंडिया डिपेंड है। यानी कि जिस मैच में अगर विराट कोहली अच्छा नहीं करते हैं तो टीम इंडिया की नैया कहीं ना कहीं डगमगा जाती है, बहुत मुश्किल होता है रन बनाने में। और विराट कोहली की खासियत क्या है ना कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैदान पर उतरते हैं, दिन ब दिन निखरते जा रहे हैं। मैं पिछले, आप कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे कि सचिन से बेहतर विराट? देखिए, कुछ मामलों में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विराट जो है कुछ एक नए रूप में नजर आ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर हर पारी से सीखते थे, विराट कोहली भी वही अप्रोच से आगे चल रहे हैं, यानी कि सचिन को ही आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन विराट में कहीं ना कहीं एक चीज मेरे को जो लगती है कि मैच खत्म करके आते हैं। हमने अगर पिछले कुछ मैच देखे, साउथ अफ्रीका में देखिए, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का प्रदर्शन टीम इंडिया वहाँ टेस्ट सीरीज में करेगी। आखिरी टेस्ट मैच जीता वहाँ पर, वनडे सीरीज वहाँ पर उसमें खिलाफत है करा है टीम इंडिया ने, और जिस तरह से जीती है, जो सेंचुरी वहाँ मारी थी विराट कोहली ने, तो पूरे विश्व क्रिकेट को कायल कर दिया था विराट कोहली ने। नहीं, और आप विराट कोहली को ऐसे पेश कर रहे हैं कि हम जैसे सचिन के 100 शतक भूल जाए क्या? नहीं, उसको मैंने यही नहीं कहा, उनको 100 जो उनकी सेंचुरी से उनको हम नहीं भूल सकते। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर चेस करने का मामला देखते हैं, किस काम को अंजाम देके लौटना, ये काम विराट कोहली के पास है। कप्तान है आज की डेट में, लंबी पारी खेलते हैं, थोड़ा समय लेते हैं टिक के खेलने में, उसके बाद लंबी पारी खेलते हैं और अपनी टीम को अधिकतर मौके पर जीत दिलाकर ही बाहर होते हैं। तो ये एक विराट के साथ एक प्लस पॉइंट है। हम देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं, जैसे रिकी पॉन्टिंग हुए, ब्रायन लारा हुए, इन्होंने बड़ी लंबी लंबी पारी खेली है और अपनी टीम को मैच जिताकर ये लोग वापस लौटे हैं। तो विराट कोहली का नाम इनमें शामिल होना ये एक बड़ी बात है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, फैक्ट रखना चाहता हूँ आपके सामने। सचिन जिस दौर में खेल रहे थे, ग्लेन मैक्रा उस दौर के बॉलर थे, वसीम अकरम उस दौर के बॉलर थे, इमरान खान ने उनको बॉल डाला, यूनिस उस समय थे, यूनिस ने बॉल डाला। आज की तारीख में वैसे गेंदबाज हमें नजर आते नहीं, विराट के सामने वैसे ही चुनौती कमजोर पड़ जाती है। देखिए, ये कंपैरिजन तो करना एक बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हम देखें गावस्कर के टाइम में जो गेंदबाज हुआ करते रहे, तो उस समय सचिन से भी जब तुलना होती तो कहते थे कि सचिन इस समय वैसे गेंदबाज नहीं है जो वो थे। लेकिन मेरा मानना यह है कि परिस्थिति, गेंदबाज और उसके बावजूद क्या सारे विश्व के बल्लेबाज विराट कोहली की तरह खेल रहे हैं? विश्व में कुछ ही चुनिंदा खिलाड़ी हैं, 4 या 5, जो कि विराट कोहली की तरह इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। तो अपने इस दौर में हम ये देखना चाहेंगे कि इस समय जो चल रहा है, अपने टाइम में विराट कोहली बेस्ट है और सचिन तेंदुलकर अपने टाइम में बेस्ट प्लेयर थे। और विराट को लेके तो मैं, ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर भी विराट के जबरदस्त फैन है। और मुझे जो सुनने में आया है, जो मैंने वहाँ की वीडियोस भी देखे हैं, कि विराट कोहली को ज्यादा पसंद किया जा रहा है पाकिस्तान के भी अंदर, बड़े समर्थक बढ़ते जा रहे हैं। जी, जब सचिन 25 साल के थे उन्होंने 200 मैचेस खेले और उनकी कुल इनिंग थी 193, टोटल रन थे उनके 7305, उनका एवरेज था तकरीबन 42 का। और उसी उम्र में जब विराट कोहली 28 के थे, उनसे 3 साल ज़्यादा, जी, उन्होंने भी 200 मैचेस खेले, उनकी इनिंग एक कम थी सचिन से 192, लेकिन रन सचिन से ज़्यादा हैं। देखिए, ये क्या है कि यही एक महान खिलाड़ी बनने की ओर विराट कोहली जा रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर हम बोलेंगे कि सचिन से उसको बिल्कुल कंपेयर करेंगे तो ये भी जल्दबाजी है, क्योंकि अभी विराट को एक, अगर इसी तरह से चलते रहे तो मेरा मानना है कि सचिन को पछाड़ देंगे एक दिन विराट कोहली, सचिन के स्कोर को भी, सेंचुरीज को भी सब पीछे छोड़ देंगे जिस तरह से चलता आ रहा है।
और विराट कोहली का जो मेरे को लगता है कि विकेट लेना बहुत मुश्किल है, अगर आपने नोटिस किया है कि सचिन तेंदुलकर एक बड़ी पारी खेलते थे, कंसिस्टेंसी थी, हर मैच में रन बनाते थे, लेकिन विराट कोहली के साथ क्या बात है, वो अपना विकेट थ्रो नहीं करते हैं। एक लंबी पारी खेलने जुझारू है, लंबी पारी खेलना जानते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है विराट के अंदर सचिन से ज्यादा अभी तक जो चीज नजर आ रही है। अभी वो पारी भूल नहीं पाए विराट कोहली की, जब उनकी वजह से मैच हार गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत वर्ल्ड कप में, और अनुष्का शर्मा मैच देखने पहुंची थी और काफी लोगों ने इसकी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस मैच को देख रहा था, बड़ी निराशा हुई थी इस मैच को देख के। विराट कोहली की ऐसी पारियां भी हैं, मैं याद दिलाना चाह रहा था, विराट की बहुत तारीफ कर रहे थे जी। देखिए ऐसा होता है कि कोई दिन ऐसा किसी प्लेयर के लिए होता है कि वो आउट ऑफ टच हो जाता है, कि कहते हैं ना कि बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी कभी कभी शून्य में आउट हो जाता है, तो दिन विशेष की बात होती है। तो ऐसे सचिन तेंदुलकर भी कितने मौके पे ऐसे रहे हैं कि बहुत जल्दी उन्होंने अपना विकेट गंवाया है, लेकिन हम देखते हैं कि अधिकतर बड़े मौके पर जब आपकी टीम को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस समय अगर आपका खिलाड़ी रन बनाता है, सेंचुरी बनाता है और मैच जिता कर वापस आता है, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बड़ा महान बल्लेबाज बन जाता है। एक जो सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख का, जो हर कोई जानना चाहता है, हर कोई पूछता होगा, और क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि देश में क्रिकेट पूजा जाता है, एक धर्म है हमारा क्रिकेट। हाँ, अगर हम मैच लोग अगर हार जाती है टीम इंडिया, तो लोगों को खाने का मन नहीं करता है, तो क्या नींद नहीं आती है, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ पाएंगे? देखिए जिस हिसाब से अभी जो चल रहा है, अगर विराट कोहली अभी तकरीबन अगर 7 से 8 साल खेल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को वो तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसी फॉर्म में चलते रहे हो तो ये कंसिस्टेंसी बनी रहनी बहुत ज़रूरी है, उनकी इंजरी नहीं होगी तो बिल्कुल वो मुझे लग रहा है कि इस रिकॉर्ड को बिल्कुल विराट कोहली तोड़ सकते हैं। और क्या आपको लगता है कि 8 साल और खेल सकते हैं विराट कोहली? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए वो उनकी फिटनेस अगर अभी पिछले 2-3 सालों में देखें तो ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फिटनेस उन्होंने पाई है, बहुत चेंज किया है। मैंने ये भी पढ़ा है कि विराट ने बोला था कि एक दिन वो अपने रूम से जैसे बाहर निकले तो शीशे के सामने उन्होंने देखा, अरे मेरा इतना पेट निकल रहा है, टमी इतना बाहर आ रहा है, तो अब उनको लगा कि अब मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर यही रहा फुल बैट्समैन करके वो लंबे समय तक नहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल पाएंगे। तो ये 2013 में विराट कोहली ने अपने अंदर बड़े चेंजेस वो लाए, उन्होंने अपना फिटनेस पे बड़ा ध्यान दिया, डाइट पे बड़ा ध्यान दिया, उन्होंने बोला कुछ नॉन वेज चिकन्स खाना उन्होंने बंद कर दिया है कि जिससे कि उनका फैट रिड्यूस होए और बल्लेबाजी स्ट्रॉन्ग होए, बड़ा इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं वो टीम के साथ और खिलाड़ियों के साथ भी बड़ी बातें करते हैं। और तो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं कहना चाहूँगा कि विराट कोहली खुद सचिन तेंदुलकर से क्रिकेट उन्होंने सीखी है, जिस समय सचिन तेंदुलकर अपने शबाब पर थे विराट कोहली की टीम में एंट्री हो रही थी 2008 में, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा कि वर्ल्ड कप जीतने। देखिए एक ड्रॉबैक आया था, एक फेस आया था विराट कोहली के करियर में 2014 जब इंग्लैंड टूर था, वहाँ सुपर फ्लॉप हुए, तो वो दाग आज भी लगा हुआ है, वो उसका बड़ा दुख होता है। आपने साउथ अफ्रीका में शतक बनाया, आपने ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाया, लेकिन इंग्लैंड में आप जाके कामयाब नहीं हुए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं विराट को वो जो ठेस लगी है ना दिल पे, वो अभी तक उतरी नहीं है। उस टूर के बाद विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के पास गए, जाके उनसे पूछा आखिर मेरे में क्या मैंने गलती करी हुआ, क्या शॉर्ट सिलेक्शन मैंने गलत खेले। विराट ने बात करी तेंदुलकर से और उसके बाद देखिए विराट एक बदले हुए विराट कोहली नज़र आ रहे हैं। और आप ये भी मत भूलिए कि अभी जुलाई में अभी इंग्लैंड का टूर है और काउंटी क्रिकेट भी विराट कोहली खेलने जा रहे हैं, जिस पर कहीं ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लैंड ने चुटकी भी ली है कि आखिर क्या जरूरत थी खेलने की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इंग्लैंड टूर में विराट कोहली बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। बहुत जगह बनानी पड़ेगी विराट कोहली को, जितनी जगह क्रिकेट के फैंस ने सचिन को अपने दिल में दे रखी है उतनी शायद अभी भी विराट को मिली नहीं है। दोनों माइलस्टोन हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, और हम विराट कोहली को बहुत शुभकामना देना चाहेंगे कि वो आगे खेले बेहतर खेले और एक नया रिकॉर्ड कायम करे। हम ये भी दुआ करेंगे कि वो सचिन के रिकॉर्ड को भी पार करे, इससे बड़ी बात क्या होगी कि तमाम रिकॉर्ड इंडिया के पास ही रहेंगे। शुक्रिया आपका। शुक्रिया अनुपम। शुक्रिया आप सभी।